आज हम आए हैं दरियाए चनाब पर और यहाँ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त तहर इमाम। फ्रेंड, आज एक नए व्लॉग के साथ आया हूँ और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज हम आए हैं दरियाए चनाब पर और यहाँ पर आपको दरियाए चनाब का माहौल दिखाएंगे और उसके अलावा शब बारात आने वाली है, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहें। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चले भी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा। दरियाए चनाब के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, बस अब आपको दिखाऊंगा दरियाए चनाब। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। फ्रेंड, आप सब की बहुत मेहरबानी होगी, मुझे सपोर्ट करें और मैं इंशाल्लाह इससे भी खूबसूरत और बेहतरीन वीडियो आप सब के लिए लाता रहूँगा और आप सब मेहरबानी करके मेरी हिम्मत बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को वॉच करें, अपने तमाम दोस्तों में मेरी वीडियो शेयर करें। आप सब की मेहरबानी होगी। बस आने वाला है, हम पहुंचने वाले हैं, हमने काफी सफर तय कर लिया है। हम दरियाए चनाब पर पहुंच चुके हैं, ये देखें ये दरियाए चनाब है, अब काफी सूखा हुआ है, आप सबके सामने है दरियाए चनाब। मगर तुझको देखे बिना हम नहीं, तो देखे ना देखे। कॉन्टैक्ट्स और वीडियो लेकर आऊंगा, बस आप सब मुझे सपोर्ट करें, आप सब की मेहरबानी होगी। तो फ्रेंड, ये है दरियाए चनाब की सिपर। हालत तो बहुत बुरी हुई है। तो फ्रेंड, दरियाए चनाब में जिस जगह पानी नहीं है, जो जगह सूखी हुई है, लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी फसलें उगाई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है दरियाए चनाब का। ये देखें ये जगह सूखी हुई है और लोगों ने अपनी अपनी फसलें यहाँ पर उगाई हुई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है, ये देखें। फ्रेंड, तो कैसी लगी दरियाए चनाब की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। शाम को शब बारात है और आप सब के अंदाज़े से क्या करना चाहिए। मेरे अंदाजे से सबको अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि हमारा मुल्क जो बहुत डिफॉल्ट में जा रहा है वो तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर हो जाए। बाकी आप सब की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।